आजकल कितनी ज्यादा रिसर्च हो रही है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का समय पृथ्वी जैसे ग्रह को खोजने में करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले समय में पृथ्वी पर इतनी बड़ी संकट आ जाएगी कि इनका सामना करना मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए हमें जल्द ही ऐसे प्लैनेट को खोज करना होगा जो हमारे पृथ्वी के जैसा ही हो। ज्यादातर लोगों की नज़र हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर आकर रुक जाता है। हमारे साइंटिस्ट भी काफ़ी सालों से मंगल पर जीवन का तलाश कर रहे हैं। किसी भी प्लैनेट पर जीवन जीने के लिए सबसे पहले पानी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मंगल पर पानी मौजूद है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मंगल पर जीवन खोजने की सिलसिला अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से जारी है। मंगल पर इतनी ज़्यादा रिसर्च इसलिए चल रही है क्योंकि मंगल की कुछ चीज़ें हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों को मंगल पर पानी का निशान मिला है। समस्या ये है कि यह पानी मंगल पर लिक्विड के रूप में नहीं है। मंगल पर पानी दो रूपों में मौजूद है, पहला पोलर आइस कैप के रूप में और दूसरा वाटर वेपर के रूप में। हालांकि मंगल पर पोलर आइस कैप्स का डिस्कवर 17वीं सेंचुरी में ही हो गया था। पोलर आइस कैप्स का मतलब होता है आइस का सीट, और यह आइस का सीट मंगल के दोनों पोल पर मौजूद है, इसलिए इसे पोलर आइस कैप्स कहा जाता है। यह आइस उस भाग में बनता है जहां पर सूर्य की हीट नहीं पहुंच पाती है। मंगल पर यह आइस वाटर और सॉलिड CO2 और कुछ मात्रा में डस्ट से मिलकर बना हुआ है। यह आइस का सीट इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -63°C होता है और रात में तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। यह पोलर आइस कैप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को समेटे हुए है। इस आइस को फिर से पानी में तभी बदला जा सकता है जब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो, जो फिलहाल संभव नहीं है। इसके अलावा मंगल पर पानी जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर मंगल पर इतनी ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प आया कहाँ से? नासा के अकॉर्डिंग अभी से लगभग 3.8 अरब साल पहले मंगल पर पानी लिक्विड के रूप में मौजूद था। यहाँ पर भी ओशियन हुआ करता था। उस समय ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से यह पानी जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट हो गया था और तब से यह जलवाष्प मंगल के एटमोसफेयर में मौजूद है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम पोलर आइस कैप को मेल्ट करवा के वाटर प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन मंगल पर ऐसा होता ही नहीं है। जब सूर्य की हीट मंगल पर पहुंचती है तब मंगल पर मौजूद पोलर आइस कैप्स की कुछ मात्रा बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस आइस में सॉलिड CO2 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए जिससे हम मंगल पर वाटर को वापस ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो उस टॉपिक को भी रिकमेंड कर देना कमेंट में। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।